अयोध्या विवाद देश में एक ऐसा मुद्दा है जिसको भुनाने का प्रयास सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आ रही है। वर्तमान में राम मंदिर को लेकर और भी ज़्यादा बातें उठने लगी हैं और इसके पीछे की वजह है तमाम बीजेपी नेताओं का इस मसले पर बयान देना। अभी हाल ही में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह व अन्य सरीखे नेताओं ने इस पर बड़े बयान दिए हैं। किसी ने इशारों में सुप्रीम कोर्ट को ललकारने का प्रयास किया है तो किसी ने बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के मंदिर निर्माण की तारीख तक बता दी है। इसी मुद्दे पर न्यूज़ टाइम्स की टीम ने आम जनता से संवाद किया और जाना कि आखिर क्या वास्तविकता में बीजेपी मंदिर निर्माण चाहती है या फिर इस मसले को सिर्फ और सिर्फ सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या कहना है आम जनता का इस मसले पर। विनय कुमार वाजपेयी, पंडित विनय वाजपेयी। वाजपेयी, ये बताइए कि शादी प्राची ने बयानबाजी की है 6 दिसंबर को राम मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। जी जी जी, क्या लगता है कि ये चुनावी गणित है या कुछ और? चुनावी गणित नहीं, मंदिर हमको वही बनाना है, उसके लिए मुझे आपका अगर अपना बलिदान देना पड़ेगा तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। जी, कोर्ट के जो सरकार के फैसले से हमें कोई मतलब नहीं, मंदिर वही हम लोग बनाएंगे, उसके लिए चाहे हमको अपना बलिदान देना पड़े, चाहे मुझे अपना सिर कटाना पड़े या कुछ भी करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। साधु जी के लिए हम लोग जीदान सेल के लिए तैयार हैं। ऐसी की सरकार की अगर मरम्मत के लिए हर बार सरकार ने मंदिर को मुद्दा के लिए उठाया कि हम मंदिर बनाएंगे, हम सरकार दें, हमें उसके लिए हमने सपोर्ट किया। अब इस बार सरकार के कोई सपोर्ट नहीं, न मोदी न योगी, हम लोगों ने अपने लिए खुद जान पर डर के लिए मंदिर वही बनाएंगे, उसके लिए चाहे हमें अपनी जान देना पड़े या किसी के लेना पड़े, उसके हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर मंदिर वही बनेगा और 2019 के पहले बनेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, ये मुद्दा बहुत दिन से चल रहा है तो मुझे तो सही लगता है कि जल्दी से ये मुद्दा सॉल्व हो जाए और जल्दी से मंदिर का निर्माण हो जाए और बात ख़त्म हो जाए, क्योंकि ज़बरदस्ती का इसे पॉलिटिसाइज किया जाता है और ये एक आस्था का विषय है तो हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और मंदिर जल्द से जल्द बनना चाहिए। हम तो चाहते हैं राम मंदिर का शिलान्यास जल्द से जल्द हो, क्योंकि वो देश हित में है और ये हिंदुओं का आस्था का केंद्र है, इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए और जितनी जल्दी हो उसे पूर्ण करना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? रामचंद्र तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए कि साध्वी प्राची ने जो है बयान दिया है कि 6 दिसंबर से राम मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा, क्या लगता है ये कर पाएंगे ऐसा? अब इसके विषय में तो नहीं कहा जा सकता, मगर इच्छा ये है कि राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण शीघ्र हो। अभी हाल में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि ये हमारी प्राथमिकता सूची में नहीं है, तो अब ये हम इतना सिर्फ कहना चाहते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के विषय कोई टिप्पणी तो हम लोग कर नहीं सकते, उनके लिए राष्ट्रद्रोही शक्तियाँ ज़्यादा मायने रखती हैं, को रात में खोल करके भी उनका निर्णय सुन सकते हैं। हमारे मामले में जो करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है, 3 मिनट में आया कह दिया कि ये जनवरी में डेट तय होगी, अभी ये भी तय नहीं है कि डेट तय होगी भी या नहीं तय होगी, और तय होगी तो उसकी नियमित सुनवाई होगी भी या नहीं होगी। ये माननीय उच्चतम न्यायालय के विषय में कुछ टिप्पणी करने के पहले मुझे इतना ज़रूर कहना है कि ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, इसे या तो सर्वसम्मति से या कोई कानून ला करके या इसका कोई रास्ता निकाल करके। मामला भी ये पेंडिंग है कोर्ट में विचाराधीन, ये कोर्ट में कब तक पेंडिंग है, पेंडिंग की कोई आखिर सीमा भी है? लेकिन प्राची जी ने ऐसा बयान जो दिया है, हम लोग प्राची जी के साथ में हैं, अगर मंदिर निर्माण होता है, अगर इसमें पूर्व की भांत कुछ कुर्बानियाँ भी देनी पड़ सकती हैं या आवश्यकता हो तो हम लोग तैयार हैं, क्योंकि हम लोग मरने के आखिरी कगार पर हैं। आँखों की इच्छा यही है कि अपने आराध्य देव का कम से कम मंदिर ही देख लें और उसमें जा कर के एक ईंट हम भी जा कर रखाएँ। मेरा नाम है बांग बहादुर सिंह। राम मंदिर के मामले पे क्या कहना चाहेंगे? साधु जी ने आज बोला है कि राम मंदिर बनेगा, 6 दिसंबर को शिलान्यास किया जाएगा। जी, ये जो बोला है वो सत्य बोला है और राम मंदिर निर्माण में जो भी कठिनाई या विरोध करता है वो देश का बहुत बड़ा दुश्मन है और उसको देश में रहना भी नहीं चाहिए, ऐसे व्यक्ति को जो राम मंदिर निर्माण में जो बाधा डाल रहा है वह देश का दुश्मन है। लेकिन मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट में चल रहा है, अभी कैसे हो सकता है? देखिए, कोर्ट में कोई अपने ये अयोध्या मंदिर, राम मंदिर जो है अपना घर है,
जो अपने घर में रहता है वह स्वयं सुविधा अनुसार सुरक्षित रहता है और कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं लगता है ये कि बयान तो दिया है लेकिन उसके समर्थन में है, लेकिन लगता नहीं है कि यहाँ शुरुआत कर सकेंगे। लगता नहीं है जी? हाँ। क्यों? क्योंकि अब चूँकि कोर्ट में एक तरफ विचाराधीन है, दूसरे शासन सत्ता तो है नहीं उनके साथ में, पब्लिक सत्ता साथ में है जी। लेकिन पब्लिक सत्ता से जब पब्लिक ने ही सरकार बैठा रखी है तो संभव नहीं देखता है। हम ज़्यादा उनके हम साथ में हैं और हाँ साबिर ब्राजी उनके हम साथ में हैं और हम चाहते हैं कि 6 दिसंबर को एकदम हो ही जाए काम। कब तक चलता रहेगा राम मंदिर? बिल्कुल 100%। लेकिन मामला तो भी कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट बेवकूफ बना रहा है लोगों को आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हम तो सोचे बहुत जल्दी बन जाए तब तो अच्छी बात है, खैस खत्म हो जाए। आज ये बनेगा, आज वो बनेगा, आज वो बनने जा रहा है तो सरकार की राजनीति बना कुछ नहीं रही। हम तो सोचते जल्दी से बने साला खैस खत्म हो जाए। सरकार की राजनीति और तो है ही है भाई, बन कुछ नहीं रहा, खाली फर्जी। ये बनेगा आज वो बनेगा परसों वो बनेगा। हम लोगों से तो चाहते हैं कि जल्दी बन जाए तो अच्छी बात है। आज दिन की जो लड़ाई झगड़ा है ये ख़त्म हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम में जो लड़ रहे बेचारे, क्या फ़ायदा इसे लड़ने से? हम हिंदुस्तानी हैं तो लोग एक साथ रहना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।